के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता, समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे। दोस्तों, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, बस ऐलान बाकी है। और ये खबर दिखाती है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों का किस तरह इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल करने के बाद जब बीजेपी को लगता है कि अब इनके साथ रहने में कोई फायदा नहीं है तो आगे बढ़ जाती है। दुष्यंत चौटाला भी सोचते होंगे कि मेरी तपस्या में क्या कमी रहेगी, बीजेपी के साथ गठबंधन में कितनी कुर्बानियां थी, उसके बावजूद ऐन वक्त पर चुनाव से पहले मेरा साथ छोड़ दिया। ये खबर आ रही है दोस्तों, और हरियाणा को लेकर कई मीडिया समूह ने यह खबर लगाई भी है कि हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन टूट गया है, बस ऐलान बाकी है। दुष्यंत चौटाला ने सरकारी गाड़ियां लौटा दी हैं, अमित शाह से मिलेंगे, सीएम समेत पूरे कैबिनेट इस्तीफा दे सकती है, यानी हरियाणा में एक बार फिर सरकार का गठन होगा। मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद फिर सरकार का गठन होगा, और खबरों के मुताबिक दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। क्या दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को जवाब दिया है, या बीजेपी ने ही दुष्यंत चौटाला को नमस्ते कर दिया है? दोस्तों, सवा साल के गठबंधन में दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी ने कई कुर्बानियां दी हैं। पहली बात तो जो जेजेपी का कोर वोटर था, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जो कोर वोटर था वो बीजेपी के खिलाफ था, उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने अपने वोट बैंक की परवाह किए बिना बीजेपी के साथ गठबंधन किया, और इसे अवसरवादी राजनीति कहते हैं। फिर भी बहुत सारे गठबंधन उस वक्त के हालात के अनुसार हो जाते हैं। उसके बाद कई उपचुनाव में जेजेपी को कोई भी भाव नहीं दिया गया। जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, दुष्यंत चौटाला ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और कहा कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। लगातार दुष्यंत चौटाला नीचे खींचते रहे। हरियाणा में नीचे खींचने मतलब अपने आप में थोड़ा एडजस्ट करना होता है, मतलब थोड़े समझौते करना होता है। तो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ लगातार समझौते किए, लेकिन अब जब ये खबर आई कि बीजेपी एक भी लोकसभा सीट देने को तैयार नहीं है दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, उसके बाद बात बिगड़ गई। उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट बीजेपी को मिली कि दुष्यंत चौटाला के बिना भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि बीजेपी की 41 सीटें हैं, हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटें होनी चाहिए। 7 निर्दलीय विधायक हैं, एक गोपाल कांडा है, इसके अलावा खुद दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कई विधायक बागी हो चुके हैं और उन्हें भी बीजेपी का समर्थन हासिल है। बीजेपी ने सवा साल की सरकार में बड़े साते तरीके से इस्तेमाल किया है दुष्यंत चौटाला। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी, मैं हूं आकांक्षा, धन्यवाद।